दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल टीटी बुकट्यूबर में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। और संडे का दिन है यहां पे और फिर हम निकल गए हैं, बच्चों के साथ निकल गया हूं, फिर से कहीं घूमने जाएंगे, कहीं से कुछ आपके लिए कैप्चर भी करके लाऊंगा। और ये जो ब्लॉग हैं आप मेरे, जस्ट आज संडे है तो कल मंडे नहीं देख रहे हैं बल्कि 2-3 दिन बाद अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि पीछे मैंने ऐसे करता हूँ कि पूरे 3-4 ब्लॉग एडवांस में बना के रखता हूँ और हर दिन एक ब्लॉग डेली ब्लॉग में उसको डालता हूँ। तो इसको आप बिल्कुल माइंड ना करें कि संडे का ब्लॉग है और हो सकता है आपको ये वेडनेसडे थर्सडे को देखने को मिले, बट यू विल गेट एवरी डे वन कंटेंट, हर दिन आपको एक ब्लॉग का कंटेंट मिलेगा, बस ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम, आज कुछ प्लान नहीं है हमारा कि किधर जाएंगे, आज रैंडम हम निकल जाएंगे कहीं भी। और एलिंग्स तादेन स्टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से कोई हॉर्स फार्म है वहाँ जाने का बच्चों का प्लान है। और ये जो मेट्रो का स्टेशन है थोड़ा डिफरेंट है, देखो कैसे चट्टानों को काट करके ये रास्ता बनाया है इन्होंने और नीचे इनका स्टॉप बना हुआ है। तो बहुत ही डिफरेंट तरह का ये स्टॉप मुझे दिख रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कुछ इस तरह का पहाड़ों के बीच से। और आप ये देखें कैसे पानी बह रहा है इसमें, ये देखें। तो ये इन्होंने, इनकी इंजीनियरिंग को मानना पड़ेगा यूरोप वालों की, कि पहाड़ों को काट करके इन्होंने, तो ये हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अब आप देखें, ये देखें आप, ये पहाड़ कैसा है, इस पहाड़ को काट के इन्होंने, इतना भयंकर पहाड़ है, ये देखें, इसको काट के इन्होंने ये मेट्रो स्टेशन बनाया हुआ है, ये देखने लायक है, ये देखें। अब मैं ऊपर को दिखाता हूँ आपको, पूरा ऊपर उठाता हूँ कैमरा, ये देखें एकदम पूरा पहाड़ और ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल जंगल के अंदर, पहाड़ी, एकदम पहाड़ के अंदर। और ये जो है, ये यहाँ पे दो हॉर्स हैं और ये हॉर्स जो हैं एकदम आगे की तरफ आ रहे हैं बेचारे, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बेटा उस पर करंट है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक वायर है। हाँ ये देखें, ये हॉर्स। और हाँ ना, यस आई एम नॉट गोइंग देयर, नीचे सेंटर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये जो है, थोड़ा सा आपको इनके गांव के दर्शन कराता हूँ कि घर कैसे हैं यहाँ पे। कमिंग कमिंग, ये देखें, अगर आपको नॉर्वे के गांव देखने हैं तो ये देखो आप, नॉर्वे के गांव कैसे होते हैं। ये जो है टिपिकली नॉर्वे के गांव विलेज, ये देखें, ये गांव के घर हैं।
ये लोग जो है यहाँ पर रसबेरी का आनंद ले रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ हिसालू कहते हैं पहाड़ में। ये देखो कैसा हिसालू है, दिखाना। ये देखें, ये यहाँ पे इस कलर का हिसालू है, देखें। ये देखें तो इसको खा के देखते हैं, आपको पेड़ भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसा है। बिल्कुल वही है ये तो, ऐसे पहाड़ में हमारे हिसालू होते हैं। चलो आपको हिसालू के पेड़ दिखा देते हैं आज नॉर्वे में। ये देखो, हालांकि लोगों ने खा दिए हैं ये, अरे बहुत होते हैं, इधर इधर हो रहे होंगे अभी, लेकिन पेड़ यही है हिसालू के। ये देखें, ये से जंगलों में ही लगे रहते हैं। ये देखिए हिसालू के पेड़, ये देखो। चलो ये देखो, इनमें कीड़े भी होते हैं, ध्यान रखना है। चलो आ जाओ नीचे, नीचे भी जा तपी नीचे। ये देखो यहाँ पे, अब दिखाता हूँ मैं आपको हिसालू के पेड़, कितने हिसालू हो रखे हैं यहाँ पे, देखो पूरे भर रखे हैं। ये देखो बड़े बड़े वाले पीछे, ये देखो एकदम रेड। ये देखो एक खाता हूँ मैं अभी, दो बेहतरीन, तीन। पहाड़ वाले समझ रहे होंगे मैं क्या खा रहा हूँ, नॉर्वे वाले इसको सिर्फ बेरी समझें, लेकिन हम इसको बोलते हैं हिसालू उत्तराखंड में। तो हिसालू के बहुत सारे पेड़ यहाँ, ये देखें, ये देखिए हिसालू हिसालू है यहाँ। वो फुटबॉल है, आप खेल सकते हो। और ये यहाँ के गांव हैं भाई लोग, और यहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। तब भी इसमें खेल के दिखाओ, बेहतरीन जगह है बच्चों के लिए खेलने की। और ये शोभा जी आके एकदम खुश हो गई हैं गांव में, मैं बैठने में बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ, ये इनको, ये बैठने में एकदम खुश होती हैं। और नॉर्वे के गांव में टहल चहल कर्मी करते हुए शोभा जी, शोभा जी आपको ये गांव में आके कैसा लग रहा है? मेरे जिंदगी का आपके बड़ा सपना ऐसा लग रहा है पूरा हो गया। हाँ एक मिनट, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ आपका सपना पूरा हो गया नॉर्वे के गांव में आके, ओके। और आपके विचार क्या हैं? ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी सफल हो गई आज मेरी, है इसी के लिए पैदा हुई थी मैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो बच्चे जो है मजे लेंगे इसमें। चलो जी, ये वाला ये जो है मतलब इधर से देखो गुन्ने, उस तरफ आ जाओ लल्ला, उसको तभी उसको अकेले आने दे, इसको सिखाओ तो पहले। आ जाएगा वो, अरे ये नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, ऐसे ऐसे, यस वेरी गुड, एंड गो दैट साइड, गो दैट साइड, इसे भेज देना, ऐसे आप जाओ, देख उसे, अरे उसे और जाना दो, यस गुड। देखा अपने आप ही जाएगा वो, ये जी वीकेंड पे बच्चों की मस्ती। अब दीदी के लिए भेजो, तभी ऐसे थोड़ी आएगा वो। चलो अब रिधिमा उस इस तरफ से उधर जाएगी, और रिधिमा उधर जाती हुई गुड। अब ये जो है ओम तिवारी बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ते हुए, तभी पहले उसे जाने देना। हाँ यस यस वेरी गुड, यस दिस इज द ट्रिक ओम तिवारी, दिस इज द ट्रिक, यस गुड, यस यस ओम तिवारी किंग। तो ओम तिवारी इस तरफ पहुंचते हुए, अब ओम तिवारी आगे बढ़ते हुए
और रिधिमा भी यहाँ पहुँच गई है, अभी वापस भी जाना पड़ेगा। यस गुड। ये क्या है? यही तो है तरीका, उसको उधर जाना है, बच्चा है वो, जाके जाना है, इधर से आना है फिर। गुड, तो ये हमारा बनेगा फौजी, फौजी ओम तिवारी। ये जो है यहाँ से अब ये नीचे उतरेगा, ये फौजी की एक्टिविटी। यस, ये फौजी भाई नीचे उतरते हुए, हमारे ओम तिवारी फौजी नीचे उतरते हुए। चलिए अब ये फिर ओम इधर से जाना है। यस रिधिमा जाइए, पकड़ के इसके जाइए। यस आप उस पर जाना है ना, जाइए आप वहां से छलांग लगाइए ना, जाइए उसको छोड़ देना तब भी। अभी देखो ओम तिवारी कैसे जाएगा एकदम फटाफट, तब भी आपके बस का नहीं। गुनू वहां से जाओ, वहां से चढ़ के आओ, वहां से चढ़ के आओ। इधर कौन हिला रहा है? गुने वहां से आ जाना चढ़ के। यस ये देखो रिधिमा का बैलेंस गड़बड़ाते हुए एकदम। ये जो है बच्चों की बहुत बेहतरीन एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे बना रखी है और बहुत बढ़िया फन है ये। और मेरे ख्याल से इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेंस, हाउ द किड्स मेक्स द बैलेंस। यस ओम, यस ओम, यस ओम, यू वुड लाइक दिस टू डू इट या जस्ट टू होल्ड द। यस slowly slowly yes now you just yes good yes good om very good you are doing very good om yes can you go there slowly. Yeah, you leave that. hold on. पहले गुन्नू को उधर आने दो, थोड़ा पाँव आगे बढ़ाना गुन्ने। Yes. Now you slowly. Yes. 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 Good. आपके लिए क्लैप करेंगे हम, okay? सीधे तो खड़े हो जा पहले। यस गुड, वेरी गुड, गुड टेक्निक। आई वुड से इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट मिस्टर ओम, एंड आई होप यू विल कंप्लीट इट सक्सेसफुली। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे कोई सब गलत बात है, आपको भी करेंगे यार, एक मिनट रुक जाओ। गुड, क्लैप करो, क्लैप करो पहले इसके लिए, गुन्नू के लिए क्लैप। यस वेरी गुड, गुड जॉब डन। वन मिनट रिधिमा तिवारी, लेट मी कम देयर। यस नाउ यू कम फर्स्ट, लेट रिधिमा कम हेयर। तो देखो दोस्तों, बच्चों के लिए ये बेहतरीन एक अपने को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने का और बच्चों के ये देखो ओम झूलते हुए ये देखो ओम दिस इज द गेम एक्चुअली। यस रिधिमा ने पार कर लिया है और अब ओम झूलते हुए यस यस गुड 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 ओम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। होल्ड ऑन यस वेरी नाइस, गुड 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 गुड, स्लोली यस वेरी गुड गुड। क्लैप करो भाई, ओम तिवारी ने कंप्लीट कर लिया है, वेरी नाइस, गुड किडोज, गुड
वेल सो वेल सो वेरी नाइस वेल सो वेल सो यस गो गो अंटिल अप यस गो गो हाँ गुन्ने ऊपर तक जा पूरा ये देखो ओम कैसे चढ़ रहा है इस पे ये देखो आप ओम एकदम बढ़िया गेम खेल रहा है भाई यस वेरी नाइस यस हाउ यू आर फीलिंग दिस स्पोर्ट्स वेरी हार्ड वन ओके Huh? A hard one. You want to give any message to your viewers? Yeah, like and subscribe. It's, this is something new, right? Yeah. You have seen, right? Yeah, it's another one there. Yeah. Very nice. You actually have to win 5 goals in that football, then you go here. Yes. तो ये ओम तिवारी एकदम बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स करते हुए बहुत अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया और सारे माइलस्टोन अपने पूरे कर दिए हैं और अभी ओम तिवारी ने ये अचीव किया है देखो पूरा ये नेट को इन्होंने पार किया है और नेट को पार करते हुए उस तरफ जाएंगे ये रिधिमा जो है मज़े लेती हुई और बैलेंस बनाती हुई और ये बीच में आ गई है अभी रिधिमा को समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है और ये बच्चों की मस्ती और ये उधर शोभा जी अपने बच्चों को देख करके खुश होती हुई हाय हाय गुन्ने ये कौन सा गेम है वो लगेगी पीछे गुन्ने यू जस्ट पुश योर सेल्फ ना तप्पी तप्पी तेरे बस का भी नहीं है नाउ यू सी ओम तिवारी हाउ ही विल Balance it and he will reach there. वहाँ से हट जा तप्पी वहाँ से हट ना ये देखो ये देखा Yes. You want this? Yeah, give me. I will show you how I usually do. Okay? So first you do this. You go little faster. Go faster. Yes. Yeah, I'm gonna try again. Yeah, okay. So you go. You go fast. No, you don't go around, Papa. Yes, this way. You don't go around. That's what I mean. Now give me back to me. Let me show you how exactly. That was a funny jiffy sound. So you put your legs in. Yes, very good. Good, Om. Nice. Good, so. You can go like that. Yes, Om is very good. He is doing perfectly now. He is expert. Okay, come. Just gonna try. I need to. So I would take it. I just need to stand there and watch you. Okay. You. But first, I need to. I know how to do that. नहीं टूटेगा जाओ आर यू श्योर अबाउट यप ऐसा ना हो सिर्फ बच्चों के लिए हो ये पक्का ये इधर लगाना पड़ेगा मुझे भी ऐसे जाओ और गो वो ओके आई विल कम देयर एज वेल ओके सी व्यूअर्स व्हाट माय किडोज आर आस्किंग मी टू डू आई हैव टू डू इट Okay. So now I am enjoying it. I told you it's so fun. So I will do it again. Okay. One more time. Okay, that's it.
आप ऊपर चलो मैं अब ऊपर भी नहीं जा पा रहा तो दोस्तों अब जो है आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और जो है बच्चे पीछे खेल रहे हैं और ये एक हमारे घर के पास से करीब करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है विलेज है नॉर्वे का। आपको मैंने थोड़ा सा उस एरिया में एक्सप्लोर कराने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया बना हुआ गाँव है और बहुत बेहतरीन यहाँ पर बच्चों के खेलने की चीज़ें बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आकर के बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय करा है और बच्चों के माँ बाप ने भी ज्वाइन इन्जॉय करा है साथ साथ में। और तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें। और मैं ऐसे ही आपके लिए एक्साइटिंग भरे वीडियो लेकर आता रहूँगा, ब्लॉग बनाते रहूँगा, और आने वाले टाइम पर आप बहुत ऐसे इस तरह के बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आप भी अपने फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करें और अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखें, यही मेरी कामना इस ब्लॉग के थ्रू आप सबके लिए है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।